मेरा नाम आदिल है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट एंड सोशल वेलफेयर का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमें जानकारी मिली 29 अगस्त को 2019 के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों ने मिलके साथ में हमने सर्वे किया, जिसके अंदर बहरामपुरा वार्ड लगता है, अहमदाबाद मेगा सिटी जिसको कहा जाता है, लगभग 3.5 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है। ठीक है, केमिकल सारी फैक्ट्री इतनी है जो उनका जो गंदा पानी होता है ना भाई, रोड पे जब आता है जनरल पब्लिक निकलती है तो उसके कारण जो भी आवाम गुजरती है पैरों उनके पैर जल जाते हैं, मतलब खुजली हो जाती है, उनके पैर सड़ जाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है और बीमारी का सामना करना पड़ता है प्रदूषण की वजह से, जैसे स्क्रीन की प्रॉब्लम, दमे की बीमारी और हरनिया की बीमारी और बाल का झड़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, टीबी की सारी बीमारी हो रही है। मैंने इससे पहले मेडिकल कैंप भी मैंने करे थे जिसमें उनका हेल्थ चेकअप कराया। 3 लाख की यहाँ आबादी है, जैसे अभी आपने देखा बाड़ीलाल हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है, काफ़ी सारी अहमदाबाद के अंदर प्रॉब्लमें हैं जो मैंने यहाँ पे सर्वे किया, जैसे इसनपुर बटुआ सद्भावना के अंदर और मणिनगर के अंदर, ये काफ़ी सारी साइटों पर मैं गया। गोमतीपुर भी मैंने वहाँ जाके देखा तो चैम्बर रोड पे पूरे गंदा पानी, जैसे टॉयलेट का पानी बिल्कुल सड़क के ऊपर आ रहा है और वहाँ से जनरल पब्लिक कोई गुजर ही नहीं सकती, इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। अब ये बताइए अहमदाबाद मेगा सिटी जिसको बोलते हैं, आज की डेट पर चिड़ियाघर के अंदर भी सफाई होती है, ये बहरामपुरा वार्ड अहमदाबाद के अंदर नहीं लगता क्या? 3 लाख के ऊपर आबादी है यहाँ पर। अभी बाड़ीलाल हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है, रोज़गारी इतनी है नहीं, जो अपने घर के अंदर जो मरीज़ हैं बेचारे, 2-3 हर घर के अंदर मिलेंगे जो प्रदूषण का शिकार हो रहा है, गंदे पानी का, केमिकल फैक्ट्रियों का, जो रोडों पे वो पानी छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है अभी तक। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं बोल रहा हूँ और राज्य सरकार से भी मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इसमें जाँच पड़ताल करवाएँ और जो केमिकल फैक्ट्रियों का जो पानी आता है उनको वारंट इशू करें। 29 अगस्त को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मैंने कंप्लेंट भेजी थी, जिसमें 3 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ प्रदूषण की वजह से चैम्बरों के जो गटर का पानी सड़कों पे आता है। 8 वीक का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वक्त दिया था, उसमें कोई रिस्पांस अभी तक मिला नहीं। ठीक है, फिर 28 अक्टूबर को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नोटिस जारी हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी किया था और डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को नोटिस लिखा था कार्रवाई के लिए, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नंद किशोर लोधा मेंबर हैं, मैं दिल्ली में था, मेरे पीछे इन्होंने बताया बटुए से कोई फ़ोन आया है, सद्भावना फ्लैट में कोई करके है, 4 मालिया गवर्नमेंट का बना है, 7,500 के आसपास वहाँ पब्लिक रहती है और बहुत सारी गंदगी है। तो मैंने उसकी कंप्लेंट 24 नवंबर को कंप्लेंट करी मैंने, तो जिसमें 3 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी हुआ है, 8 वीक का टाइम दिया है जांच पड़ताल के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी से मेरी गुजारिश है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही स्टेट ह्यूमन राइट ने कोई एक्शन अभी तक लिया इनके खिलाफ, जो केमिकल सारी फैक्ट्री हैं जो रोडों पे पानी छोड़ देते हैं और जनरल रेसिडेंट एरिया में तो ये केमिकल फैक्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। मेरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी चाहिए, जिसके कारण बेचारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते, घर में पानी पीने का भी नहीं है, पानी तलक का नहीं आता है। हूँ मारा संगठनना साथे मळीने काम करूँ छू अने मारा संगठनना मेम्बरो साथे जयरे वटवाथी फोन आयो सद्भावनामांथी, तो सद्भावनामांथी मारो फोन आयो तो अमारा संगठननी साथे मेम्बरो साथे अमे त्यां गया अने त्યાં જોયું શું સ્થિતિ હતી, તો તે એટલી બધી ગંદકી હતી, એટલું બધું ખતરનાક એમનું જીવન એ લોકો ગુજારતા હતા કે તે એટલું બધું પોલ્યુશન ને એટલી બધી ગંદકી હતી કે ચાલવાની પણ તકલીફ પડતી હતી ત્યાં। પછી અમે બધાએ ભેગા થઈ અને અમારા સર મોહમ્મદ આદિલ જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે અમારા સંગઠનના અને એમને અમે વાત કરી તો 24/10 રોજ અમે અરજી આપી અને પછી અમને કામકાજ ચાલુ આગળ કરવું। અમારા જે સંગઠનની અંદર જે અમારા સરે જે અરજી આપી છે એની આગળ ચીફ સેક્રેટરી સારી રીતે કામ કરીને બતાવે,
અને ગંદકી જે કંઈ છે, જે પોલ્યુશન છે, એની જલ્દીથી જલ્દી કાર્યવાહી કરે એવી અમને ભાવના છે.